Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to see jQuery chain. दोस्तों jQuery chaining के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा action और methods हम एक साथ use कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करते थे, single single statement use कर रहे थे, तो आज हम देखने वाले हैं। तो video शुरू करने से पहले मैं सबको Independence Day की बधाई देना चाहता हूँ। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारे फोल्डर में जाते, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते, इसको हम नाम दे देंगे चेन डॉट एस टी एम एल। तो चेन डॉट एस टी एम एल नाम से हमने एक फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा एस टी एम एल का कोड लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ, अब हम टाइटल में डाल देंगे चेनिंग इन jQuery, ठीक है। इसके बाद हम jQuery ऐड कर लेंगे, स्क्रिप्ट टैग सोर्स डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स jQuery स्लैश डेस्ट स्लैश jQuery डॉट जेस। तो ये हमने jQuery ऐड कर लिया हमारे फाइल में। अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग में जाके सिंपली क्या करेंगे, हम हमारा एक कोड लिखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, स्लाइड अप स्लाइड डाउन और CSS, ठीक है। ये तीन जो मेथड्स है ये हम एक साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ले लेंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ ले लेंगे, उसको हम आईडी दे देंगे पैरा, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे एन सी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर लेंगे, एक बटन ऐड कर लेते हैं, बटन ऐड कर लेते हैं। इस पे हम लिख देते हैं क्लिक मी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे और इसमें हम हमारा jQuery का कोड लिखेंगे। jQuery कोड हमेशा डॉलर से स्टार्ट होता है, डॉलर टू पैरेंथेसिस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन प्लस, ठीक है। तो सिंपली इतना लिखना होता है हमको जब भी हम jQuery का कोड लिखे। इसके बाद इसमें हम लिखेंगे डॉलर, इसके अंदर हम सेलेक्टर देंगे, किसका, बटन का। बटन का सेलेक्टर बटन ही है क्योंकि हमने उसको कोई क्लास या आईडी हमने उसको कुछ दी नहीं है, ठीक है। तो बटन का सेलेक्टर बटन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ डॉट क्लिक, कौन सा इवेंट यूज करने वाले हैं हम, क्लिक के बाद फंक्शन। तो इसके बाद हम फिर से डॉलर लेंगे और इसके बाद हम सेलेक्टर लेंगे, किसका, पैराग्राफ का, जहाँ पे हमको चेंजेस चाहिए। तो आईडी इसलिए हम हैश लिखेंगे और उसके बाद जो भी नाम दिया है, क्या नाम दिया हमने, पैरा, ठीक है। डॉट उसके बाद हम लिखेंगे, हम CSS लेंगे इसके अंदर दोस्तों। CSS में क्या करेंगे हम, इसको पहले इसको हम टेक्स्ट को हम कलर दे देंगे, ठीक है। COLR कलर कॉमा इनटू ब्रैकेट रेड, रेड कलर दे देंगे हम इसको, ठीक है।
उसके बाद हम फिर से डॉट देंगे और हम दूसरे इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे. कौन से दूसरे इफेक्ट? कौन सी वाली? स्लाइड अप. स्लाइड अप, ठीक है. तो हम इसको स्लाइड अप ऐड कर लिया. इसको दे देंगे हम 3000 सेकंड टाइम, ठीक है. डॉट, फिर से हम क्या करेंगे, और एक इफेक्ट ऐड करेंगे. कौन से? स्लाइड डाउन. इसको हम टाइम दे देंगे 3000 सेकंड, ठीक है. तो ये ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ. तो अब ये हो गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे. कंट्रोल एस से हम इसको सेव कर लेंगे. अल्ट बी से ब्राउज़र ओपन करेंगे हमारा, ठीक है. तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो रहा है. तो देखो ब्राउज़र में आ गया हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब. तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका कलर रेड हुआ, बाद में ये स्लाइड अप हुआ, स्लाइड डाउन हो गया. तो ठीक है, इतना आसान है चेनिंग जेक्यू. अब हम क्या करेंगे, और एक चीज करेंगे इसमें, क्या कर देंगे हम, थोड़ा बटन को हम स्टाइल दे देते, इनलाइन स्टाइल देते थे हमारे बटन को, थोड़ा और बढ़िया दिखा देंगे हम इस पर, ठीक है. स्टाइल ऐड कर देंगे इसको. हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको कर देंगे हम एक्वा, ठीक है. और कलर कर देंगे इसको हम, कलर किधर गया, ये वाला बहुत बढ़िया लगेगा. हाँ, तो इसको कंट्रोल एस, फिर से हम रिफ्रेश करेंगे. तो देखो हमारा बटन कैसा दिख रहा है, ठीक है. लेकिन टेक्स्ट दिख नहीं रहा है ना. टेक्स्ट लग तो रहा है बढ़िया, लेकिन टेक्स्ट दिख नहीं रहा. तो इसको डार्क कलर लेना पड़ेगा. हम कौन सा ले लेते हैं, समझो रेड ले लेते हैं, ठीक है. कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ठीक है. अब दिख रहा है क्लिक में, ठीक है. अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, तो हम इसमें बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर. अब ये जो है, ये हमने सिंगल इफेक्ट दिया इसमें, ठीक है. अब मल्टीपल इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको पैरेंथेसिस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. इसके बाद ये कॉमा निकाल देंगे हम, यहाँ पे कोलन लेंगे, ठीक है. अब इसके बाद अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम देंगे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन. कौन सा कलर देंगे हम, तो बैकग्राउंड में कौन सा कलर दे देते हैं, इसको येलो दे देते हैं, ठीक है. ठीक है, येलो कलर दे दिया हमने बैकग्राउंड कलर. अच्छा, यहाँ पे इसको क्लोज करना रह गया, इसको भी, ठीक है. अब हो गया, ओके. कंट्रोल एस कर देंगे, फिर से ब्राउज़र में आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे. तो देखो दोस्तों, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, टेक्स्ट भी चेंज हो गया, ठीक है. तो इतना आसान है. होप यू एन्जॉयड द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. और फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. कीप वर्किंग फॉर आवर नेशन, मेक नेशन प्राउड. जय हिंद, वंदे मातरम.